अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं मुअज्जम खान एस्ट्रोलॉजर, उनके साथ हैं आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, नोनी एंटोनी और ऑडियंस में हमारे प्यारे से डब्लू बब्लू। आलिया जी, नाइस ड्रेस यू नो एंड ग्रेट मेकअप। तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्हें दड़गुरु तीर पी ले। ये बताएं, मेरी शादी होगी या नहीं होगी? नहीं। उन्होंने कार्ड देखे बगैर ही तुम ओए होए होए। क्या करोगे शादी करके? हाँ, जिम्मेदारियां होती हैं। तू दो दो कितना, तू की करना? दो तो ऑलरेडी कर चुके और इसके चांसेस ज्यादा है। तीसरी करने के चक्कर में है ना? मैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। हाय अल्लाह। हीर बेटा सिर्फ तेरा ना एक धागा ही रह जाना। आज गेस्ट कौन आ रहे हैं? हमारे पहले गेस्ट जो है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बेहतरीन क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। और क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट्स हैं उसमें वो ऑलराउंडर हैं। बैटिंग लाइन में हर नंबर पे खेले हैं। वाह वाह वाह। आप लोगों की तालियों में अब्दुल रज्जाक। वाह। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, आपको पता है कि फीमेल गेस्ट हैं, लेकिन नोनी नोनी हर गेस्ट के ऊपर, फिर आपको पता ना फीमेल गेस्ट के ऊपर टोनी, इसको संभाला करो। अब टॉल भी बहुत है। कोई नहीं, खैर। अच्छा, सारी लंबियां गेस्ट साढ़े क्यों आंडी है जी? ठीक करो। हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है, शी इज सपोज टू बी वन ऑफ द टॉप मॉडल्स ऑफ द कंट्री। वो एक्टिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग तो करती ही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं और मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन। आप सब की तालियों में नादिया हुसैन। अच्छा, मुझे बताएं क्रिकेट में कैसे रुझान आपका हुआ और आपको कैसे पता चला कि क्रिकेट में आप अच्छा खेलते हैं? क्रिकेट का बिल्कुल नहीं आइडिया था। मोहल्ले में शुरू की जैसे सब करते हैं, और फिर अंडर 16 के पीसीबी के ट्रायल थे तो वहाँ पे मैं ट्रायल देने चला गया लाहौर में। वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने नाम नहीं लिखा, तो फिर सिफारिश करा के उन्होंने मेरा नाम लिखवाया। किससे सिफारिश? कोई दोस्त था, तो उसने कहा जी किसका नाम लिखो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा था उसका जुनून था कि भाई मैंने करना है ये काम। ये नहीं था कि हमने पाकिस्तान खेलना है, सही, बस एक अंदर से ऐसी चीज़ थी कि मैंने बस मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर? वसीम अकरम से इंस्पायर काफ़ी। और इंटरनेशनल? फ्लेमिंग था न्यूजीलैंड का कैप्टन, और पॉन्टिंग। तो किसी को आप बकायदा ऑब्जर्व करते थे कि भाई ये वाकई बहुत अच्छा? पॉन्टिंग को काफ़ी करते थे, क्योंकि पॉन्टिंग का टीम हार रही हो जीत रही हो उसने अपनी गेम करनी है। अच्छा, आपकी क्रिस गेल से मुलाकात होगी कभी? एक पैगाम आपने मेरा पहचाना है कि उनको ना ही नहीं लाभदा कटिंग। मेरे लो तुसी हमें एक जुगत करनी है, उन्होंने कहना मरें जब नेरे च मुका वजा हुंदा है। सर, कभी मैच के दौरान किसी मुखालिफ से लड़ाई हुई हो आपको? मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। लड़िया करो, क्यों नहीं लड़ते? सॉफ्ट आदमी है, प्यारे आदमी, और माशाल्लाह जवान लग रहे हैं। लग रहे क्या मतलब है? नहीं, मैच के दौरान ऐसे लगता था जैसे बड़ा ताया खेल डंडे। सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ थी टीम में? मेरी शाहिद अफरीदी के साथ ज्यादा। आपकी फेवरेट शाहिद अफरीदी थे? अच्छा, वो लड़का सी, लड़की नहीं। नादिया, इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हो, मतलब डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन, मॉडल, एक्टिंग, होस्टिंग, और ये बिजनेस की तरफ एकदम से पूरा एक रुझान। या हाउ डू यू मैनेज? मॉडलिंग जब मैं कर रही थी तो आई वॉज़ वेरी फोकस्ड इनटू द मॉडलिंग, लेकिन साथ साथ में क्योंकि बच्चे हो गए तो आई डिडंट रियली फोकस टू मच ऑन द एक्टिंग। तो यू नो, किया, एक्टिंग भी की एंड होस्टिंग भी की। होस्टिंग तो खैर मैं अब भी थोड़ा बहुत कर ही रही होती हूँ। यू नो, एज फार एज द मॉडलिंग वॉज कंसर्नड, आई मीन एक ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो फिर अब यू नो फॉर मी आई वॉज लाइक इनफ, आई मीन बहुत हो गया है मुझे इस फील्ड के अंदर। इवन दो ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि जी मैं तंग आ गई हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात अभी नहीं भी कर रही हो? हाँ बिल्कुल, अभी भी कर रही हूँ, बट यू नो लाइक एक एक चीज़ का वक्त होता है। सो आई न्यू माई सेल्फ कि मुझे जो है वो किसी ना किसी तरफ जो है वो मुझे जाना है, और मैं आई स्टडी टू बी अ डेंटिस्ट,
तो मेरा जो एम था वो ये था कि मैं क्लिनिक खोलूं, लेकिन वो क्लिनिक खोलने के चक्कर में वो सलून खुल गया एंड यू नो इतना मजा आना था अगर आप डॉक्टर होती थे, मैंने रोज करना था टीका ठोकी या दांतों में ठोकना था उसने टीका उन्होंने, लेकिन तुम्हारे तो दांत ही नहीं है, ये तो मसला है। कौन सा दांत, मैं छली खाने की थे। आपके परिश्तार माशाल्लाह पूरी दुनिया में है, कोई ऐसे परिश्तार जो कोई ऐसी परिश्तार सीधा का यार। हर बंदे के सर के ऊपर ना इश्क के बादल मंडला रहे होते हैं हर वक्त, नहीं हर कभी वक्त कभी, नहीं। कभी कभी नहीं तो कोई बादल ऐसा हो जो फौरन बरस गया हो। बड़े तूफान बड़े आए ने। कभी आपको जरा सामना करना पड़ा कि परेशानी का कि आपका किसी पे बहुत दिल आया हुआ हो? और अच्छा सही बात अब बताऊं आपको, बता ही दें, किसी के साथ भी अगर कोई रिलेशन हुआ है ना तो इकट्ठा ही हुआ है, मतलब ये नहीं कि जी कि मैंने प्रपोज किया है तो वो नहीं यानी कितनी दफा, 5-6 दफा हो चुका। अच्छा इसकी वैलिडिटी भी है, इसकी एक्सपायर भी हो जाता है साल के बाद, 1.5 साल के बाद खत्म हो जाता है। असल चीज है ना, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है और उसके रिजल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं आते। ये शादी से पहले की बात कर रहे हैं आप? शादी के बाद भी। क्या ये छुपे रुस्तम है ये? आप माशाल्लाह इतनी दफा इंडिया भी खेलने गए अब्दुल रज़ाक साहब, वहाँ की कोई ऐसी हीरोइन जो तमन्ना भाटिया? तमन्ना भट्ट, हाँ उनके साथ मेरा 3 दिन का शूट था दुबई में, इकट्ठे हुआ था। ऐसी हीरोइन आज जो आपको बहुत अच्छी लगती हो इंडियन? नहीं इंडियन मैं फैन हूँ मधुबाला का, पुरानी रूह है अंदर से वो, वैसे नहीं नहीं मधुबाला वो बगैर मेकअप के बड़ी खूबसूरत नहीं, लेकिन वो मेकअप होता है ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 वो नहीं, शुरू पक्के हुए में अनादिया देखो ये नेचुरल मेकअप, मुझे पता है ये आपको लोग अच्छी नहीं चीज लग रही मेकअप के मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ। नहीं नहीं पर खूबसूरती जो है ना विदाउट मेकअप। नहीं तो आपने कभी सोचा कि आप भी वहां पे शादी करें? जिंदगी में अगर आपने सुकून लेना ना तो एक शादी करें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं करें। तो फैमिली में करनी चाहिए, एक शादी और 6 इश्क करें। यानी फैमिली में मतलब ये कि कजन से शादी करें? फैमिली का ये होता है कि आप फाइनेंशियली तौर पे इतने सेफ हो जाते हैं, वो मेकअप पे पैसे नहीं लगाती ज्यादा। मेकअप के नाम लाण बेचारे तो बहुत बुरे इतने हाल हो जाए, बंदे अपनी बुढ़ी नू कहना बाजी तेनू कितने वेख। ऑडियंस आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ मैं, कोई टैलेंट सिंगिंग आ जाए। आवाज चंगी ना हुई। ये गाना मैं डेलीगेट करता हूँ नादिया जी को। वाह वाह। अल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हो 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 आ हा 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 हे 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 ला 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 ला। वेरी गुड। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तेनु गाना चाहिए सी, हो सके तो मेरा एक काम करो, एक ग्लूकोसल की बोतल मेरे नाम। किसी को एक्टिंग का शौक? आप आ जाए। इनको कोई सिचुएशन देते हैं ना, आपने इनका नाम लेना है नादिया, नादिया लेके नाम चेंज कर लो, और नादिया अगर साथ आ जाएं खड़ी हो जाएं तो हाँ हाँ। तो फिर अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा साथ में खड़ी हो कि नीचे खड़ी हो जाओ? नहीं नहीं इसी तरह खड़ी हो जाएं ताकि थल्ले खड़े हो जाओ, तुसी पूरा ही इंजोना। अच्छा आपने कहना है कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता, आप मेरी ख्वाबों में आती हैं, मैं सो नहीं सकता, ये मुझे पता नहीं क्या हो गया। ए तुसी कह रहे हो यार। आपने कहना मैं शीशा देखता हूँ तो मुझे आपकी तस्वीर नजर आती है। रज़ाक भाई एनू असी क्रिकेटर बना दे रहे, तुसी आ जाओ। और आपने ही कहना कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। बच्चा पहले कांप रहा है। आपने कहना मुझे लगता है कांप रहा है वाकई। मैं नाम चेंज कर लो, नादिया सही नहीं लग रहा,
सिमरन कर। का क्या नाम है? तुम कहना सिमरन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा नाम रज़ाक है। Let's go! सिमरन मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे दिन रात सिर्फ ख्वाबें नजर आती हैं। Shut up! मेरी क्या? रज़ाक के अंदर का जो एक्टर है ना, अभी आप देखेंगे। आप ही चुप करके निकल गया। इंटेंसिटी क्या होती है, जिसने इतना बड़ा स्टेडियम जो है वो फेस कर लिया हो, उसके लिए नादिया हुसैन जो है ना, लेट्स सी। अब हाँ, एक चैलेंज मैं भी दूंगी अब यहाँ पे, कि नाम जो है वो फिर सिमरन नहीं होगा। ओ यस, नाम जो है फिर नादिया ही। नादिया, ओए होए। एक्शन। पानी ले आओ। उन्होंने एक्टिंग करनी, पेंचर चेक करना। मुझे लगता है कुछ हो गया। मैं रात को सो नहीं सकता। मैं जब सुबह उठता हूँ, नोनी मेरे को लो कसम चुका ले, रज़ाक भाई एक्टिंग नहीं कर रहे। तो समझ नहीं आई तुझे क्या किया? इन्होंने उन टाइम देता है ना दिया। जवाब तो लेते जाए ना आगे से। यहाँ पे डायलॉग पूरा हो ही नहीं सकता आपके होते हुए। हाय हाय, डायलॉग पूरा हो भी गया तो कल की टिकट ताड़ी कराची दी है। नहीं भाई, अभी हम बिल्कुल चुप करके चुप। एक्शन। ना दिया नहीं। अच्छा तुझे सिर्फ ना दिया कहो, अगो नहीं हो आप कहे। ना दिया मुझे लगता है कुछ हो गया। क्या हो गया रज़ाक? मैं रात को सो नहीं सकता। क्यों? और मैं जब सुबह उठता हूँ तो शीशे में मुझे तुम नजर आते। वो तो तुम्हारी तस्वीर तो मैं नजर नहीं आती मुझे। ओए मैं हाथ फड़ा। नहीं वैसे तो बड़ा ही पागल आदमी है तू, ना बोलता तो उन्होंने पढ़ लिया। मैं सही बताऊं, वाकई आपकी हिम्मत है। जैसे ये डायलॉग थे ना, मैं यकीन माने कि मुझे ना वैसे थोड़े से ना पसीने आ गए। मुझे तो लगता है चौका छक्का मारना इजी है वैसे, है ना? नहीं, ये बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैं आपके साथ सीन करता हूँ। हाँ जी, आ जाए आ जाए। ठीक है, आप ना उठो, जावा मैं नहीं उठ सकता। हाँ नहीं ना। अच्छा चलो चलो। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। अरे तू बेच ना बोल रहा है। तुम कितने प्यारे हो नोनी। सुनो मेरी, ये डेथ ना हो जाए। नहीं, डेथ कैसे हो जाएगी? मैं क्या करूं? समझाओ, बाकी पागल हो गई है। बाय। हदीका जी ब्रेक ले लो, सानू मारना जे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। Don't go anywhere, we'll be right back. Welcome back to आपके सितारे, हदीका क्यानी के साथ। हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक। मैंने सुना है कि आप पहले हॉकी खेलते थे, तो हॉकी से एकदम से क्रिकेट में कैसे आप डाइवर्ट हो गए? सारी गेमें खेली, हॉकी, फ्रिस्बी, अच्छा गुल्ली डंडा, बांदर किला। बांदर किले पे आपने ज्यादा फोकस किया। बांदर किले तो जुतियां बहुत पहनी है भाई ना। नहीं तो अपना रज़ाक भाई, अगर आप हमारे साथ बांदर किला खेले तो एज बांदर आप इसे ले लें। अच्छा मुझे बताएं, ड्रेसिंग रूम में शरारतें, मैंने सुना है कि वहां पे काफी लोग मजाक करते हैं। हर फील्ड में मरासी होते हैं, टीम में भी थे। मोहम्मद यूसुफ ने नई मर्सिडीज ली वाइट कलर की। अच्छा, तो वो आके ना उसने बड़े शोखी में कहा, देखो मैंने ना नई मर्सिडीज ली है, तो बताओ मैं कैसा लगता हूँ गाड़ी चलाते हुए। तो शुएब मलिक बड़ा वो माशाल्लाह अच्छा उसका सेंसर उम्र है, वो कहते ऐसे लगता है जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है।
नादिया मुझे बताएं फिटनेस का राज। आई ईट एवरीथिंग, वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ में परहेज जो है वो मैं कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ना खाऊं। हमारी ख्वातीन को बता दो कि इतना फिटनेस का राज जो है वो उसमें क्या बैलेंस है। सो बैलेंस ये है कि आपको जो खाना है वो क्वांटिटी आपको देखनी है कि आपको क्या खाना है। और मुझे बाय नेचर जो है मुझे इतना मीठे का शौक नहीं है, तो वो एक मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। आजकल जो कंपटीशन है वो क्या है, कुछ फ़र्क है पहले से अब? आई वुड से कि जो एक बहुत वाजी चीज़ है वो ये कि कद जो है वो छोटे हो गए हैं मॉडल्स की। मॉडल्स के हाँ, मतलब मुझे बताओ पहली तुम्हारी पे क्या थी? पहली पे 25,000। नॉट बैड। हाँ, नॉट बैड उस टाइम के लिहाज से। या अच्छा, वैसे रैंप के ऊपर भी मैंने देखा कि आप प्रेगनेंसी में भी रैंप के ऊपर आ रही हैं, तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल काइंड ऑफ ट्रेंड जो पाकिस्तान में नहीं देखा गया, तो दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप। तो या वो था, नोमी अंसारी वाज रियली इंसिस्टेंट के उसकी जो कलेक्शन थी वाज ऑल अबाउट रियल वुमेन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी ने यू नो इस हालत में शो किया, बट इट वाज बेसिकली नॉट अ शो फॉर वो रियल दैट वाज ऑल रियल वुमेन। दैट वाज ऑल, तो लाइक आई सेड उसमें उस शो में उसने किसी मॉडल को इस्तेमाल नहीं किया, उसने सारी सेलिब्रिटीज थी हु वर ऑफ ऑल साइजेस, लाइक उसमें हिना दिलपजीर भी थी, उसके अंदर निदा यासर भी थी, उसके अंदर लाइक मैं थी, पर उसके अंदर आई थिंक नौशीन शाह थी, मतलब काफी हम लोग अलग 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 किस्म के लोग थे। तो हिना दिलपजीर भी रैंप पे गई थी? हाँ बिल्कुल, मोमो वाली चाल से तो नहीं चली? नहीं, शी वाज नॉर्मल हर्सेल्फ। शी इज डायनामिक। बड़ा हंस रहा है मोमो के नाते। चौथी का नाम मोमो है ना, तो मैं किस तरह पता? घरेलू तो लगने। हाँ जी, ये साला है पांडा। अच्छा, कभी किसी डिज़ाइनर को ये नहीं कहा कि आपके आउटफिट्स जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव किस तरह बिकते हैं और आप लोग क्यों इतने रेट्स बढ़ा के रखते हैं? हमारा कोई ताल्लुक डिज़ाइनर की सेल से नहीं है ना, बिकॉज हम लोग तो उनके कपड़े पहनते हैं। तो आप खुद भी तो कर रहे हो ना डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग मैं खुद मैंने एक वक्त में शुरू की थी, उस वक्त जब मेरा सलोन शुरू नहीं हुआ था, बट एट दैट टाइम आई वॉज प्रेगनेंट विथ माई फोर्थ चाइल्ड। आजकल तो साइबर बुलिंग बहुत चलती है, तो नादिया से मैं पूछूंगी, आजकल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गई है कि घर बैठे बैठे आप जो मर्जी जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी लिख दें। मतलब आई हैव आल्सो गॉन थ्रू इट, बट आपका बहुत एक मेजर जो था, आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। आई थिंक ये 2 साल पुरानी बात है और समथिंग, बच्चों की ईद की तस्वीर लगाई थी और बच्चे अपने नॉर्मली हालत में जिस तरीके से मस्ती मजाक वगैरह कर रहे थे, तो किसी एक खातून थी और उसका भी जो था वो जो उसकी जो डिस्प्ले पिक्चर थी वो उसकी अपने बच्चे की ही तस्वीर थी। उसने जो था जो लिखा वो लिखा मेले बच्चे और आगे उसने हा 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 कर दिया, तो मुझे जो था वो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने तो उसको गालियां बकी, मैंने तो उसको इतना बुरा भला बोला, और जाहिर है उसके रिएक्शन में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कहा कि जी तुमने गलत किया। ये एक एपिसोड था जो बहुत यू नो जिसे कहते हैं वायरल काफी हो गया। रज़ाक, आपके साथ कोई हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कोई? तमन्ना भाटिया का हुआ था और मुझे फोन भी आया था चैनल से, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कह रहा है कि जी आपकी शादी हो गई है, अगर आप चाहते हैं तो इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। आपने बताना था, बादल ही आया था चला गया। नहीं, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मगर तो खुद इतनी लड़कियां फिरती है ना मशहूरी हासिल करने के लिए कि हम जिन नोनी के साथ फंसी हैं। ए, 2-3 कुड़ियां दा पर्स चुक लिया। यार एक लड़की का मुझे फोन आया। अच्छा, कहंदी जानू किधर हो? सारी कुड़ियां दे तैनु फोन आंदे ने, तू ही मिली भेजने। आपके पर्सनली फेवरेट कैप्टन कौन? मैं वह प्लेयर हूँ जो 11 कप्तानों के अंदर खेला हूँ, और वसीम अकरम, मोइन खान, ये मेरे फेवरेट। ऑडियंस यहाँ से कोई सवाल? कुड़ियां ने भी दे दो, पेपर देना आईया ने। वो मुंडे पूछे जा रहे हैं। सही बात है, वैसे कुड़ियां भी प्लीज। मौजूद साहब ने एक क्वेश्चन है कि जो अमेरिकी डॉलर है उसका रेट आए दिन बढ़ रहा है, क्या वो आए? तेरा की ताल्लुक अमेरिकी डॉलर नाल? तेरे को टोटल 150 रुपया है। अरे 15 रुपए वाली तू 2.5 लाई है। अपने मुंह के हिसाब ना पूछ के पाए ठीपे कितों मिलेंगे।
अभी ये अगस्त तक फ्लक्चुएशन होगी और अभी जो रेट अप चल रहा है थोड़ा सा बढ़ेगा अगस्त के बाद, फिर ग्रेजुअली ये चीज़ें नीचे आएंगी। कितना बढ़ेगा? मुझे ये लग रहा है कि डॉलर 140 में आ जाएगा और ये कम होगा मई जून, जून के मिड से कम होना शुरू हो जाएगा। गर्मी ना पिघल जाएगा। आपको खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। पालक के बारे में मैंने सुना है, क्या आपको पसंद है? पालक का भी एक वाकया बड़ा, वो भी चुकी थी। पोपाय द सेलर तो नहीं देखते थे कहीं? टू द पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बीमार हो गया। अच्छा। ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, तो वहाँ पे मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया मुझे। हालांकि मुझे लग रहा था कि ऐसी बीमारी नहीं है मुझे, पर वहाँ पे डॉक्टर आपको पता है एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उन्होंने उठा के एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। अब उन्होंने ड्रिप शिप लगाई तो मैं फिर सो गया। तो जाकर खान हमारे बोर्ड में थे, अभी बोर्ड में है, तो मीडिया पूरा हॉस्पिटल के बाहर था। अच्छा। कि जी अब्दुल रज़ाक ड्यूरिंग द टेस्ट मैच मेलबर्न में आई था, तो ये सब क्या हो गया, तो कोई ऐसी कोई न्यूज़ आएगी शायद, कोई बीमारी से होगी। तो ये अंदर आया मुझे पूछने के लिए, तो मैं कहा थैंक यू जाकर भाई, बड़ा शुक्रिया आपका। जैसे मैंने कहा क्या पता करें, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बाहर जाते ही इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी व्हाट वाज हैपेंड विद अब्दुल रज़ाक, इन्होंने कहा जी इसको पालक नहीं मिली और इसलिए बीमार हो गए। अब उन्होंने हाईलाइट कर दी इतनी, अगले दिन न्यूज़ में इतनी मेन हाइडिंग उन्होंने दे दी, पालक का अदरवाइज कोई लेना देना नहीं। तो मैंने जाकर भाई पूछा, मैंने कि ये क्या किया, कहते मजाक किया मैंने। तो फिर ऐसा वो मीडिया पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जाओ पपाया सेलर मैन, तो ये उस तो बाद जिते भी रज़ाक भाई गए ना मैच खेडन, अच्छा उन्होंने अंपायर नु पालक फड़ाई होंगी सी कि ड्यूरिंग मैच अगर कुछ हो जाए तो इन्होंने पालक खुआ दी। अच्छा नादिया, आपकी जो बेटियां हैं वो कुछ और करना चाहती हैं या वो आपको आगे इसमें ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं, अभी तो आई थिंक देयर टू यंग, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये बिजनेस में आएंगी जरूर, इनमें से कोई एक, पता नहीं, आई कांट से। आपको क्या लगता है? आई थिंक आपकी जो बच्चे हैं वो आपको ज्वाइन करेंगे। रज़ाक, आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। इनका बेटा जो है वो मेरे बेटे का दोस्त भी था एक स्कूल में, और बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है वो। उसका क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, अभी ओ लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह भी साथ ही क्रिकेट शुरू करवा देंगे। और उसकी कोचिंग जो है वो बचपन से कर रहे हैं हम। इंग्लैंड में 4 साल वो खेला है, क्लब क्रिकेट खेला वहाँ पे, और अभी यहाँ पे प्रॉपर उसकी जो है ना क्लब जाके उसकी कोचिंग वगैरह, उसके मैचेस वगैरह खिलाएंगे। आपका बेटा बहुत ज़हीन है, उसकी तालीम को रोके नहीं, उसे पढ़ने दें, हो सकता है वो कुछ और बनना चाहे, बिकॉज मैं उसे बहुत हाईली एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड देख रही हूँ, जैसे वो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ ऐसी फील्ड, तो उसे जाने दें। ये आपके बेटे का ये कार्ड निकलता है बिल्कुल। वाकई सही नहीं, वो तारा खोलियाँ ने बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है इनका माशाल्लाह। मुझे लगता है फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉमर्स, ये आगे जाकर इस पे प्रोफेशनल, जिस तरह से अब्दुल रज़ाक की बात हमें उसी तरफ आ रहा हूँ, इनके लिए वो तमाम काम जहाँ पर इनको एजुकेट करना है लोगों के लिए, इनको वो काम सूट करेंगे, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड जहाँ पर कोई एक्सकर्शन है, विजिट्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये अब्रॉड भी इसी काम के सिलसिले में इनको बिल्कुल जाना चाहिए, और यही काम इनका अल्टीमेट है, और ये उसी में सक्सेसफुल होंगे। खेलों की दुकानों की चीज़ें बनाओ, विच गुल्ली डंडे सारा कुछ पे आओ, बांदर के लिए चितर छितर। तुमने वो खेला यस्सू पंजू? यस्सू पंजू बड़े हाथ गर्म होते ही, फिर वो चिड़ी उड़ी कावड़ा खेला ना? नहीं, वो भी मौसम साहब तुझे खेलिया चिड़ी उड़ी खोता उड़ा। रज़ाक, आपको कौन सा सिंगर पसंद है? रफ़ी, किशोर, लता और मुकेश जी, जिन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मेहंदी हसन। नादिया, आपको म्यूजिक? हाँ, म्यूज़िक का शौक है। मज़े की मैं बात बताऊँ, मुझे पर ये शादी से पहले की बात थी कि मुझे शाही हाँ, हाँ, मुझे ऑफ़र किया था कि तुम आओ और तुम जो हो वो इस मतलब फील्ड में आओ, बिकॉज यू नो एट दैट टाइम यू वर स्टिल नंबर वन, तो यू शुड कम अप इनटू सिंगिंग। बट यू नो फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मेरी खाला इज़ टीना सानी, तो मुझे जो था वो एक मेरे सर पे काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना बोझ था। मैं यही पूछना चाह रही थी कि उनकी तो एक गाइडेंस रही होगी अदरवाइज लाइफ में, तो वो तो खाला है ना? वो तो खैर रही थी, लेकिन ये कि उसने फिर कहा कि भाई तुम पहले जो है वो रियाज करो अपनी खाला के साथ, और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मे बी आई विल डू इट एज़ वेल। मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर हो नहीं सका।
नहीं तो अगर आज थोड़ा सा हो जाए कोई एक अदद लाइन तो कुछ मज़ा नहीं आ जाएगा हमें? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। ये लेते हैं छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका क्यानी के साथ वज़म साहब और आलिया जी। आप लोगों के सैयारे और आपके कार्ड्स जो हैं वो इन दोनों शख्सियात के बारे में क्या बताते हैं? देखिए रज़ाक भाई की तो प्लेनेटरी कंडीशन है जायचा इनका बहुत अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स खेलनी थी वो तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खेली हुई और नाम भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कमाया। कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो इनको नहीं जानता। तो इनको मेरा मशवरा है कि ये कोचिंग की तरफ या जहाँ पर एज ए कोच या एज ए आप उसे कहते हैं मेंटोर अगर आती हैं तो ये इनके लिए और भी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो प्रोफेशन बन सकेगा। तो इन्हें इस साइड पर आना चाहिए, ये चीज़ इनको ज़िंदगी में एडवांटेज देगी। जहाँ तक नादिया, मैंने तो इनका जो जायचा वो देखकर मैं हैरान हुआ हूँ कि एक औरत इतने काम कर सकती है साथ में। जो स्पेशलिटी इनकी मुझे लगती है कि एक डॉक्टर होना या एक सर्जन होना ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए खैर वो प्रोफेशन इनको प्रॉपरली तो ये परसू नहीं कर पाएंगी, लेकिन आर्ट से रिलेटेड और ये कहीं ना कहीं जाकर कुछ ऐसा जिसमें प्रोडक्शन हाउस हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, कॉस्मेटिक्स हैं, ये उसमें ज़रूर इनके माइंड में कहीं होगा कि मैं इसको आकर करूं और ये मैं आकर फैलाऊं। आलिया जी, है नादिया के कार्ड्स के हवाले से लगता है कि जैसे अभी ये कोई नई अपनी लाइन शुरू करने लगी हैं, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने वाली हैं, कोई नया बिजनेस लाइन, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, जिसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगा आपको। आपको सिर्फ अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखना है क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट इशू है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इशू बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उसके अलावा जो नई लाइन आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो ये परफेक्टली ओके है। रज़ाक भाई, रज़ाक के लिए मुझे ये लगता है कि एक तो इनको फाइनेंशियल इशूज़ कभी नहीं आएंगे, ये अपने उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और उसके अलावा आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बड़े जज्बाती और काम ना हो तो आपको परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं। इस चीज़ को आप कंट्रोल करें और नादिया को गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़िद्दी हैं। टोनी नोनी, आपको लगता है कि जैसे जब ये ग्राउंड में आते थे तो एकदम से सुकून जिस तरह हमारे स्पेक्टेटर्स को हमारे समेत एक आ जाता था कि अब्दुल रज़ाक साहब आए हैं तो अब ये ही इज देयर टू स्टे। मेरी अम्मी कहती होंगी सी झाका आ गया हूँ वेखी स्कोर हों। यानी आप पे डिपेंड करती थी पाकिस्तान। हाँ, यकीन के मेरी नानी आपकी बहुत फैन थी। आज जो तुम चौका मार रहे थे ना बीट देख मतलब। अच्छा मुझे बताएं आप मस्जिद में सुना है बचपन में, मतलब मौजन रहे हैं? काफी शौक था, अजान देने का शौक था और नमाजें पढ़ने का शौक था काफी। अम्मी से मार भी पड़ती थी बचपन? नहीं, अम्मी से नहीं कभी पढ़ी, अब्बू से पढ़ी। क्रिकेट खेलने पे? नहीं, वो कि जी आप पढ़ें या काम करें। अच्छा, ये क्रिकेट छोड़ दें। काम क्या? काम यही कि हमारा एक स्टोर था, वो कहते स्टोर पे बैठो। अब वो क्या फील करते हैं कि अब उनका जो बेटा है अब्दुल रज़ाक वो एक नोन फेमस क्रिकेटर और इतना रेनाउंड वर्ल्ड वाइड, अब उनको अच्छा लगता है? 96 में जब मेरा डेब्यू हुआ तो वाल साहब के पास साइकिल थी और उनको एक सिगरेट पीते थे दिन की, दूसरी नहीं पीते थे, वो कहते थे महंगी है, तो पैसे कम थे तो एक ही पीते थे। तो वो साइकिल पे जब जाते थे तो उससे 96 से पहले तो वो मारते भी थे और बड़ा बुरा गर्म भी होते थे। तो जब मैं पाकिस्तान खेला तो वो जब बाज़ार से गुजरे तो उनको तकरीबन 2 घंटे लगे बाज़ार को क्रॉस करने। अच्छा, तो हर बंदे ने उनको मुबारकबाद दी, साइकिल रो के मुबारकबाद दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ। नादिया, टाइम कैसे मैनेज करती हो यू, मतलब विद 4 चिल्ड्रन? एक वक्त पे जो मैं काम कर रही होती हूँ ना तो उसी के ऊपर फिर फोकस होता है। लाइक अगर मैं काम पे हूँ तो फिर मैं उस वक्त बच्चों का नहीं सोच रही होती हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चों के साथ हूँ तो उस वक्त मैं काम का नहीं सोच रही होती हूँ। इन लॉज का क्या एक रिएक्शन होता है शुरू से? मतलब उनको जाहिर पता था कि ये फील्ड इसी फील्ड से है, फैशन फील्ड से है, मॉडल से। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैंने बिल्कुल मैं फ्रेशली ग्रेजुएट की थी तो मेरा हाउस जॉब रहता था, तो वो हाउस जॉब मैंने शादी के बाद की थी अपनी। तो उस वक्त जो था ना उनको सहारा इसी चीज़ का था कि हाँ ये तो हाउस जॉब करेगी और ये बाकी काम छोड़ देगी, डेंटिस्ट्री में जाएगी, उसी चीज़ उसी फील्ड में ही कंटिन्यू करेगी। इन द मीन टाइम मैं अपने फर्स्ट बेबी के साथ मैं आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग हिम,
तो वो उनको और सहारा हो गया कि अच्छा हाँ ठीक है अब तो ये 100% काम छोड़ देगी. वो उल्टा हुआ. सही. वो उल्टा हुआ. वो मैंने इवन दो कि मैंने कुछ अरसे अपने पहले बेबी के पैदा होने के बाद कुछ अरसे मैंने कहीं काम किया, एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे काम किया, लेकिन आई कुड नॉट बिकॉज मुझे आदत ही नहीं थी कि मैं एक जॉब करूँ. बस ना अब हम क्रिकेटर बने या पटीशन बने. मेरी गल सुन ना, असी क्रिकेटर बनना ना पटीशन, असी सीधे नाई बनने हैं. अच्छा रज़ाक मुझे बताएं कि जब पहली दफ़ा आप सिलेक्ट हुए इंटरनेशनल एक लेवल के ऊपर और पाकिस्तानी नेशनल टीम के अंदर जब सिलेक्ट हुए तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक दफ़ा स्टेडियम के बाहर था मैं तो वो एक सिलेक्टर आया मेरे पास, तीन चार सिलेक्टर होते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पता है आपका नाम कल अनाउंस हो जाएगा. मैं कहाँ, कहते पाकिस्तान टीम में. जब उसने मुझे बताया तो मैं कजाफी स्टेडियम से मोटरसाइकिल पे चला और शादरे पहुंच गया, मुझे नहीं पता चला. वाह वाह वाह, बस टाइम गुजर गया. पता नहीं मेरा माइंड कहाँ पे इतना खुश था, मुझे सिग्नल का नहीं पता चला कि कौन सा काट रहा हूँ, मैं चलता ही गया हूँ. वो तो कैमरे भी नहीं लगे होते थे. तो ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट. और फिर जब घर पहुंचे, घर पहुंचे तो मैंने फिर वालदा को बताया कि जी मेरे लिए खाना लेके आओ. उन्होंने कहा जी क्या हुआ आज, खाना को मांग रहे आज? मैं कहा वो मुझे भूख लगी है. कहते ये कोई टाइम है खाने का? तो फिर मैंने बताया कि सर मेरा नाम आ गया तो मुझे खुशी में भूख लग रही है. वाह वाह, यानी उससे पहले आपको खाना नहीं मिलता था. यानी कि चलो तुझे खुश होते हो, भूख लग जाती है. ऑडियंस में से कोई सवाल. जी अमजश्री नाम है मेरा. अच्छा नादिया जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं मॉडलिंग की फील्ड में आऊँ तो क्या आप मेरी रहनुमाई करेंगी? आप ग्रीस की मॉडलिंग बिल्कुल रहनुमाई करेंगे. और सब तो पहले इन्हें क्लीन शेव करनी है. इनकी मतलब ग्रूमिंग के लिहाज से इनको क्या बताना? मना कर दे. मेरे लिहाज से जिस तरह का वो एड नहीं होते, जे तुसा कपा उगाणी है पैदावार. ज़राती कमर्शियल जो होता है. हाँ क्यों नहीं. नहीं नहीं, वो मंसूबा बंदी का भी कर सकते हैं, बच्चे दो ही अच्छे. रज़ाक मुझे बताएं आपका एक्टिंग की फील्ड के अंदर कभी कभी दिल चाहा? मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक ड्रामा करूं, प्रोड्यूस करूं. ना जी, मैं अपनी लाइफ पे मैं ड्रामा बनाऊं. ओए ओए, जिस तरह मैंने स्ट्रगल की, जिस तरह हमारे घर के हालात थे. कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस टाइम देख रहा हो तो अब्दुल रज़ाक की बायोग्राफी के ऊपर बहुत जरूरी है. वैसे हमें आप लें जी राइटर डायरेक्टर. हमने बड़ी बड़ी स्टोरियां लिखी है. कॉमेडी का नहीं बात कर रहे, हम सीरियस भी लिखते हैं, सिर्फ कॉमेडी ना समझे हमें. अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एक लाइन सुनाऊं? सुनाओ. अंधेरी रात है, सूरज निकले है, और रात को सूरज तेरा अब्बा करता है. मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं जो मर्जी करता हूं. पूरा स्क्रीन प्ले बना के. हाँ बताओ. रात को चांद निकला हुआ है. इनकी टिन निकल रही थी ना, जो चांद निकल रहा था. मेरी आपका मेरी तरफ ही फोकस है. और किसी को कोई सवाल? अच्छा अगर मैं एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहूँ तो किस तरह जा सकता हूँ? आप एम्बुलेंस में जाए और बड़ी तेजी से आगे बढ़ोगे. एक्टिंग की फील्ड एक्चुअली बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, सिर्फ टैलेंट जो है वो आपका होना चाहिए, एक्टिंग के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. रज़ाक आपके अंदर भी एक मॉडल मुझे नजर आ रहा है वैसे कहीं ना कहीं. मॉडलिंग की मैं तो उनके सवाल भी बड़ा इन्नी गौर ना वेखो रोजा टूट जाता है. आपकी टाइमिंग से लग रहा है आपका मुस्तकबिल रोशन है. नादिया कोई ब्यूटी हैक बताओ. ये मैं हर एक के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है और जिनको हल्की हल्की जो है वो एक्नी या जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का हल्का इशू है, आप लोग जो है वो बजाय दांत ब्रश करने के आप अपने फेस को ब्रश कर सकते हैं टूथपेस्ट के साथ. यानी कि पेस्ट लगाएं ब्रश पे जो है वो आप उसको नॉर्मल टूथब्रश, सॉफ्ट वाला टूथब्रश हो, और टूथपेस्ट जो है वो आप लेके आप अपने पूरे फेस को जो है वो अच्छी जोर जोर से नहीं, सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली जो है वो आराम आराम से उसको रगड़ें. वाओ, एंड इतनी ज्यादा शाइन आ जाती है, इतनी ज्यादा शाइन आ जाती है स्किन के ऊपर. ड्राई स्किन अगर है तो फिर वो आप जो है वो दो हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा उसको कर लें, और इसके बाद ज़रूर अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें, बिकॉज ये आपकी स्किन को शाइनी तो बना देगा लेकिन हल्का सा ड्राई भी कर देगा. मुंह ते पेस्ट ला ली ते दंदा ते क्रीम लाया करी. तू ना ला दंद लोड़ कोई नहीं, तेरे मुंह ते बम चलाना पैदा है.
Nadia, thank you so much. Aapne time nikala. Aapki flight hai, so you have to go. I know. We do understand that. वैसे हमारा दिल तो नहीं चाह रहा कि नादिया जाएं, है ना? सही कर ले. लेकिन अब इनको जाना है. चलें हम अब्दुल रज़ाक साहब के साथ कंटिन्यू करते हैं. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू आपके सितारे हदीका कियानी के साथ. हमारे साथ हैं क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और उनके साथ है रोशन महनामा. आपको पता है कि ये कौन है? ये कौन है? ये खबरजार के डमी म्यूजियम से आए हैं और श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन हैं. ये क्रिकेटर है? जी. इन्होंने टीम नु आग लग गई. रोशन साहब आपके शूज बहुत अच्छे हैं. ये मैं जॉगिंग के लिए पहनता हूँ. ये जॉगिंग के शूज हैं? मैं जरा हार्ड वर्क करता हूँ ना, मैं ग्राउंड के चक्कर लगाता हूँ. नानी तेन पता है सुबह सुबह उठ के ग्राउंड के चक्कर क्यों लाता है? क्यों? ताकि कोई कुत्ता लुकिया हो दौड़ जाए. रज़ाक भाई आपने इनके साथ मैचेस खेले? जी जी बहुत ज्यादा मैचेस खेले. अच्छा रज़ाक भाई इन्हें छक्का मार के ना हाथ धो लेते. मुझे बताइए जो फ्रेंची का स्टाइल है ये कैसे आपने सोचा? और ये नजर भी नहीं आ रहा ना. ये फ्रेंच नहीं गा दी का जी, ये सलंसर आगे बैठा रहे. आपकी कोई फीमेल फॉलोइंग है? हाँ है. कोई ऐसी लड़की हो जिन्हें तुहानू दिल दे नाल नाल कूड़े वाला शापर भी दिता हो और तुसी हंस के रख लिया हो. आप ओपनिंग बैट्समैन है? जी ओपनिंग बैट्समैन. कितने स्कोर किए आज तक? मैंने कई सेंचुरियां की है. सेंचुरी तेन पता कितनी होती है? तेरे प्यो की कसम. इन्होंने कप्तानी भी की है आईसीसी की, अब रेफरी भी हैं, तो बड़े अच्छी पोस्ट में. मौज़म साहब जरा बताएं इनका आगे फ्यूचर क्या है? महनामा साहब का जैसा रज़ाक भाई ने कहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, फिर कप्तान बने, फिर आप आईसीसी के चेयरमैन हो. आई थिंक कि इनके लिए रेफरी काफी था, काफी इनका ये. महनामा साहब के बारे में बताएं, ये आने वाले दिनों में स्वीपर बन सकते हैं. आलिया जी बताएं. की दसो आलिया जी ने ना कार्ड कटन दी जा जूती फाड़ ले. आप तो इजी ले रही हैं. मुझे लगता है कि तुसी भी उन्होंने ही मिल गए इन दोनों नाल. ये जड़ा वाले तो महनामा से नहीं. अच्छा अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं. जब मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं 8-8 घंटे बगैर सांस लिए पानी में रहता हूं. मामा किसी और को भी ना होने दे. अरे 8 घंटे पानी, तू डड्डू का बच्चा. हदीका जी आपने तो कहा था मेरे साथ नादिया हुसैन है. उन्हें तेरा पता लगा, वो गड्डी दे आगे के दौड़ के निकल गई. मैंने सोचा आपके दोस्त और आपके देखें इतने जबरदस्त किस्म के कॉलीग यहाँ पे बैठे हुए हैं. जी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं. इन्होंने कभी आपको टफ टाइम दिया? ये बड़े स्टडी प्लेयर थे, चौके कम मारते थे, छक्के तो इनको आते ही नहीं था मारना. सिंगले और दुकिए बस. एक ही टुंडा सी छप्पा है ना साके. ओ तुसी टंडोलकर नु जिन्नी बार भी आउट कीता, कभी उन्हें तुहानू आउट होने तो बाद कोई फिक्र कसया होवे? आउट होने के बाद वो बड़ा परेशान जाता था और उसने स्टेटमेंट दे दी थी वर्ल्ड कप से पहले. उन्होंने कहा जी कि आपको दुनिया में कौन सा खतरनाक बॉलर लगता है? उसने कहा जी अब्दुल रज़ाक की मुझे समझ नहीं आती कि उसे मैं कैसे सरवाइव करूं. वाह. वैसे आम क्रिकेटर्स अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं अब्दुल रज़ाक भाई, तो आप क्या करते हैं? मैं कोशिश करता हूं ऑयली चीजें ना खाऊं. अच्छा महनामा साहब आपकी डाइट क्या है? मेरी डाइट में सुबह उठता हूँ एक अंडा आयोडेक्स. मैं रज़ाक साहब खाना में अंडा लाते नहीं मलना. आयोडेक्स तुझे अंडा फस जाता साले तेरे कड़ा मेदे च सटा लगियां कोई. अच्छा देखा जी जी हस्बे मामूल आपके गाने के बगैर माहौल नहीं बनता. जी जी गाना सुनाते. Thank you.
तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया हो गया। सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया हो गया। डूबे तो यू जैसे हो much Abdul Razzaq aap aaye aapne apna itna precious time hame diya acha unko to aapne thank you bola mujhe to bola hi nahi thank you so much roshan sahab aap sri lanka se paidal aaye ke aaye main bhi yahi kehne wala enna se hun wapsi se ready kara do acha aap logo se phir mulaqat hogi mujhe aur meri team ko ijazat de allah hafiz razzaq sahab teesra puppet to ata aana hai aa raha hai main coming soon yes